स्वास्थ्य विभाग कितने भी लाख दावे कर ले, लेकिन झोला छाप डॉक्टर के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। झोला छाप डॉक्टर एक के बाद एक मरीज की जान ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के तहसील शाहबाद के रामपुरा गांव से सामने आया है। वहीं जहां नवविवाहिता नीतू को कई दिनों से बुखार आ रहा था, इसी को लेकर उसका भाई डॉक्टर के यहां लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने दवाई दी और इंजेक्शन लगाया, जिससे उसको घबराहट और खून की उल्टी हुई और उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने उनसे कहा, यहाँ से ले जाओ, इनके अंदर कुछ नहीं है। भाई ने सूचना अपने परिवार वालों को दी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और क्लिनिक पर हंगामा किया। हंगामा होता देख झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। सूचने पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल अब एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्या स्वास्थ्य विभाग की साठ गांठ से झोला छाप डॉक्टर्स के क्लिनिक चल रहे हैं, या फिर इन पर स्वास्थ्य विभाग कभी कठोर कार्यवाही करेगा, देखना यह होगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? ओमपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगेसर के। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? उनने मुकेश डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दो, उससे उसकी मौत हुई। अच्छा, मुकेश डॉक्टर कहाँ के हैं ये? रामपुर आगे। इनकी क्लिनिक कहाँ पर है? रामपुर में नहीं, दुकान है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इलाज उन्हीं का चल रहा था? उन्हीं का इलाज चल रहा था। बुखार था लड़की को? हाँ। कितने वर्ष की है लड़की? लड़की है 19 साल की। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आपने जो है तहरीर दे दी? अभी देंगे तहरीर। क्या मामला जानना चाहिए? मैं भाई ने घर पर आ गया था बुखार, तो मैंने दवाई दिलाने लाया था। तो दवाई दिलाने जब लाया था, डॉक्टर बोला इन्हें उल्टी हुई। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है बैठा ली, बैठा ली मैंने। उनने इंजेक्शन लगाए तो भाई, उसके बाद थोड़ी देर हाथ पैर फेंकेंगे, उसके बाद शांत होंगे। दवाई इंजेक्शन कर ली थी, फिर डॉक्टर बोला था कि नहीं अब ले जाओ यहाँ से। मैं अकेला बंदा था, मैं घबरा गया था सर, तो उसमें मैं लेके चला गया। तब घर वाले वापसी ले गए थे, तब उसकी दुकान पे जो भी बात हुई थी अब उसके बारे में मुझे पता नहीं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम मुकेश। कहाँ का रहने वाला? रामपुरा में, ननसार में रहता है, रामपुरा में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।